हेलो एवरीवन। सो लास्ट में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव करवाए थे, तो एडजेक्टिव के हमने 6 पार्ट्स करवा दिए थे मैंने। अब आज हम करेंगे 7, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। सो ये आ जाएगा आपका इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें क्या रहता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में? टू आस्क क्वेश्चंस, जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसके रिलेटेड होता है ये, ठीक है? टू आस्क क्वेश्चंस, राइट। मतलब जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, हिंदी में कहेंगे इसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है? व्हाट टाइम इज इट, तो ये एडजेक्टिव है आपका, सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, विच फ्रॉक इज हर, विच फ्रॉक हर्स, ठीक है? यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देनी है कि व्हाट विच हुज के अगर बाद में नाउन आता है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, और यदि उनके तुरंत बाद वर्ब आता है तो ये शब्द जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ मैं, व्हाट, राइट, व्हाट विच हुज, यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। ये छोटे छोटे जो बातें हैं इनको ध्यान में रखना। अगर इसके बाद जो है वो क्या आता है आपका, नाउन आता है, इनके बाद अगर नाउन आता है, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको, नाउन आता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, आपने पूरा लिख लेना है, एडजेक्टिव। और व्हाट विच हुज, इनके बाद, इनके तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो वो हो जाते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है आपने, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस, अभी अभी जो है एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यस, सो एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और ये आ गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट कलर इज, व्हाट कलर इज योर शर्ट, ठीक है? इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आपको। और नेक्स्ट है, विच स्लेट इज योर, विच स्लेट इज योर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो मैंने क्या समझाया था कि विच
और व्हाट विच हुज के अगर तुरंत बाद नाउन आता है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, और इनके तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो देखिए, ये दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज नाउन एंड स्लेट इज आल्सो नाउन, ये भी नाउन है और स्लेट भी नाउन है, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हुए। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर व्हाट हुज विच के तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो वो हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो एग्जाम्पल इज, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, ये क्या हो गया वर्ब। ठीक है, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो ये आ गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वन मोर, विच इज योर प्लेट, तुम्हारी स्लेट कौन सी है, तो ये क्या है वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें इतना ही ध्यान देने वाली बात है। अब नेक्स्ट है, लास्ट आपका वो है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन भी मैंने आपको करवाया था, उसमें क्या करवाया था, मतलब जो पोजेस होता है, जैसे माई सेल्फ हो गया, जो खुद पे ज्यादा पोजेस करता है उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक विशेषण, मतलब जो किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताता है उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब पर्सन या पर्सन और थिंग के साथ जो रिलेशन बताता है, जो ये रिलेशन बताता है उसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे माई अंकल, ठीक है, आवर बुक्स, देन हर हस्बैंड, ये सारे क्या हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। बस इसमें इतना ही था, ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। पॉजेस मीन्स वही जो कि जो खुद की चीज होती है, माई मतलब मेरा जो होता है उसको वो होते हैं आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, 7-8 रहते थे पार्ट्स एडजेक्टिव के, वो मैंने करवा दिए आपको। अब इसमें आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, वो इनको बहुत ध्यान से देखना है आपने, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, सो ये करते हैं हम, इनको आप जरूर जो है वो नोट कर लेना, द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, ये है आपकी मेन हेडिंग। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे आपका सम है, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, और इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं टेट के पेपर में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कमीशन में भी आपसे यही पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले करेंगे हम सम का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, सम देखिए, वी कैन यूज सम इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हम जो है वो सम का यूज कहाँ करते हैं, ये जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो साधारण सेंटेंसेस होते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये इसका यूज होता है।
But in interrogative sentences, we can use some in such a way that we get answer in affirmative sentences. But interrogative sentences में हम इसका use वहाँ पे करते हैं. एक मिनट मैं समझा रही हूँ आपको. जो भी interrogative sentences होते हैं इसका यूज हम इस तरह से करते हैं कि हमें जो आंसर मिलता है वो हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मिलता है. सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ. अभी एग्जांपल के थ्रू आपको सारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एग्जांपल है, फर्स्ट इज देयर आर सम गर्ल्स इन दिस क्लास. देयर आर सम गर्ल्स इन दिस क्लास. अब ये देखिए, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस. मतलब इसमें क्या शो हो रहा है? देयर आर सम गर्ल्स इन दिस क्लास. इस क्लास में कुछ गर्ल्स हैं. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब कुछ. यहाँ पे सम का यूज अफर्मेटिव में, इसमें अफर्मेटिव में हो रहा है. अब मैंने सेकंड स्टेटमेंट ये दी थी आपको कि कुछ सेंटेंसेस में सम का यूज इस तरह से किया जाता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें जो आंसर होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलता है. सो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से. प्लीज ध्यान से देखना. Will you bring some milk in the jug. अब ये क्या है? ये है interrogative sentences. क्या पूछा गया है? Will you bring some milk in the jug? क्या तुम थोड़ा सा मतलब कुछ दूध लेकर आओगे जग में? तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ. तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? नेचुरली वो बोलेगा यस आई विल ब्रिंग. तो ये आंसर देगा कोई भी है, जैसे किसी को भी बोल रहे आई विल ब्रिंग. तो ये आंसर क्या हुआ? आंसर किस में आया? आंसर आया आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. तो ये सम का यूज हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, समझ आ गया इतना? सम ये नंबर वन पे था आ सम. अब सेकंड करेंगे हम. इतना समझ आ गया ना आपको? सो नेक्स्ट इज एनी. अब देखो आप कि एनी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है. पहले तो एनी का अर्थ क्या होता है? एनी का अर्थ होता है नॉट सम. नॉट सम, ठीक है. वी कैन यूज एनी बोथ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. हम एनी का यूज जो है वो दोनों सेंटेंसेस में करते हैं. एक तो हम नेगेटिव में भी करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव दोनों में किया जाता है इसका यूज. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखेंगे. Sharda has not. Sharda has not read any novel. ठीक है, क्या हुआ इसका अर्थ? Sharda has not read any novel. Sharda ने कोई भी नॉवल नहीं पढ़ा है. ठीक है, ये इसका नेगेटिव में यूज हुआ. ध्यान से देखना, शारदा हैज नॉट रेड एनी नॉवल. रीड रेड रेड, स्पेलिंग एक सी रहती है और प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाती है. रीड रेड रेड बोलते हैं इसको. सो ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज लगा है. सो शारदा हैज नॉट रेड एनी नॉवल, दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस. ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मतलब शारदा ने कोई भी नॉवल नहीं पढ़ा है. अब हम इसका लेंगे इंटेरोगेटिव में. इंटेरोगेटिव में इसका किस तरह से यूज होता है?
यस, सो सेकेंड सेंटेंस इंटेरोगेटिव में लेंगे हम. इंटेरोगेटिव में सेकेंड एग्जाम्पल है, इज देयर एनी वॉटर इन द बकेट. ये कौन सा है अब सेंटेंस? ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मतलब इज देयर एनी वॉटर, क्या बकेट में थोड़ा सा पानी है, कुछ पानी है? सो इसका जो आंसर आएगा वो यस में आएगा. तो ये था एनी का, एनी के एग्जाम्पल. अब सेकेंड है, सॉरी थर्ड है ईच. थर्ड है ईच. सो ईच का यूज वहां होता है जहां पे दो या दो से अधिक के लिए होता है, मतलब ग्रुप में होता है. इसका ईच का मतलब दो या दो से अधिक होता है, मतलब ग्रुप में होता है इसका. और ये जो है वो ईच मतलब प्रत्येक की तरफ इशारा करता है, मतलब ग्रुप में से हर एक की ओर इशारा करता है, ठीक है. और ये जो है वो डेफिनेट नंबर्स को शो करता है, डेफिनेट नंबर्स को शो करता है. एग्जाम्पल देखिए, समझ आ गया आपको? ईच जो है वो ग्रुप में हर एक की ओर इशारा करता है, और इसका यूज जो होता है वो डेफिनेट नंबर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर संख्या की ओर ये इशारा करता है. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. एग्जाम्पल है, ईच ऑफ टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट. ईच ऑफ Each of the two girls intelligent. मतलब each of the two girls is intelligent. मतलब दो में से each of two girls, दोनों में से हर लड़की जो है वो इंटेलिजेंट है. ईच का मतलब कि दो लड़कियां हैं और दोनों में से दोनों को बोल रहे हैं वो. ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट. नेक्स्ट है, द टीचर विल पनिश each of you. मतलब the teacher will punish each of you. अध्यापक तुम हर एक को पनिश करेगा जो भी है, ठीक है. पनिश मतलब क्लास है, और क्लास को हर एक की ओर इशारा कर हो रहा है. यहाँ ईच का मतलब क्या होता है? मतलब ग्रुप में से, मैंने आपको अभी बताया था, ग्रुप में से प्रत्येक की ओर इशारा करना. मतलब क्लास है तो टीचर हर एक की ओर इशारा कर रहा है. कोई बोल रहा है कि टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू, टीचर जो है आप प्रत्येक को पनिश करेगा. तो ये होता है ईच का यूज. और मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें से एक आज जो है वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे. और नेक्स्ट है आपका एवरी. Every. We use every for whole group and it denotes indefinite number. ठीक है, हम इसका use जो है वो whole group, whole मतलब पूरा group की तरफ करते हैं इसका use. Whole group में हम इसका use करते हैं, और इसकी जो संख्या रहती है वो indefinite होती है. मतलब हम किसी के बारे में पता नहीं होता हमें कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं. इंडेफिनेट नंबर्स के बारे में इसकी संख्या होती है एवरी. सो एग्जांपल, एवरी सिटीजन
every citizen should be every citizen should be loyal to the nation. मतलब क्या हुआ, एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल टू द नेशन, मतलब कंपल्शन नहीं है, एवरी सिटीजन शुड बी, हर एक सिटीजन को नेशन के प्रति क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए. सो ये है एवरी सिटीजन, मतलब हम किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल सकते हैं, हम सबको बोलेंगे, अब माना ना माना ये सामने वाले का विल है. नेक्स्ट है, It rained every day last week. मतलब it rained last week जो है वो हर दिन बारिश हुई. तो last week यहाँ पे indefinite numbers हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाया था कि एवरी जो है वो इंडेफिनिट नंबर को शो करता है, इंडेफिनिट नंबर को शो करता है. तो दिस इज़ योर इंडेफिनिट नंबर, और यहाँ पे होल ग्रुप की तरफ, पूरे नेशन की तरफ इशारा किया गया है, तो ये आ गया आपका होल ग्रुप की तरफ डिनोट करता है. यस, सो नेक्स्ट इज मच. मच का यूज कहाँ होता है, मच का यूज होता है कॉमन नाउन से पहले. कॉमन नाउन मैंने आपको जब वो करवाए थे नाउन, तो मैंने आपको समझाए थे कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं. तो कॉमन नाउन जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, बुक हो गया, ये सारे कॉमन नाउन होते हैं. और प्रॉपर नाउन अगर इनको नाम दे दिया जाता है, जैसे राम दे दिया, सीता दे दिया, बुक का इंग्लिश दे दिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. हाँ, सो मैं बात कर रही थी मच की. मच का यूज़ कॉमन नाउन से पहले होता है और क्वांटिटी बताने के लिए होता है. मच का यूज़ जो क्वांटिटी बताने के लिए होता है, मात्रा बताने के लिए होता है, ठीक है, क्वांटिटी क्वांटिटी बताने के लिए होता है. एग्जाम्पल देखिए, जैसे देयर इज मच नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास मतलब क्लास में बहुत ज़्यादा शोर है, यहाँ क्वांटिटी बता रखी है. और नेक्स्ट है, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ, मतलब कृतज्ञ हूँ. तो ये मच का यूज़ हम करते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यू और द फ्यू का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, और फिर लिटल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अ लिटल एंड द लिटल, इनका यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में पूछे जाते हैं. सो आपने नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी है. और कुछ भी अगर आपको मतलब पूछना हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि क्या समझना है, या ये आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कमेंट मी. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. सो टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय.